असलामुअलैकुम क्लास, होप यू ऑल आर फाइन। वैसे लास्ट लेक्चर में हमने एस्टिमेटर्स फाइंड किए सिंपल लीनियर रिग्रेशन मॉडल के बाय यूजिंग द मेथड ऑफ ऑर्डिनरी लीस्ट स्क्वेयर। और लास्ट लेक्चर में आपने देखा होगा कि हमने एजम्पशंस भी देखी थी दो मेथड्स की, एक था ऑर्डिनरी लीस्ट स्क्वेयर मेथड एंड सेकंड वन इज मैक्सिमम लाइक्लीहुड मेथड। तो अब लास्ट लेक्चर में हमने ऑर्डिनरी लीस्ट स्क्वेयर से तो एस्टिमेशन कर ली, अब हम देखने जा रहे हैं कि अगर मैक्सिमम लाइक्लीहुड मेथड को हम यूज़ करें तो हम एस्टिमेटर्स को कैसे फाइंड करेंगे। स्टार्ट लेते हैं बेटा। हमारे पास सबसे पहले एक मॉडल है, सिंपल लीनियर रिग्रेशन मॉडल वाई इक्वल्स टू अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस एप्सिलॉन आई। ये हमारे पास मॉडल है और ये अजम्पशंस आपको पता है एरर टर्म्स की, जो मैक्सिमम लाइक्लीहुड के लिए अजम्पशंस थी कि ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करता है विद जीरो मीन एंड वेरियंस जो है वो इसका सिग्मा स्क्वायर है। हमारे पास क्योंकि आपको पता है मैक्सिमम लाइक्लीहुड फंक्शन जो है वो जॉइंट फंक्शन आपने एक बनाना होता है, तो उसके लिए ज़रूरी है हमें सबसे पहले इसका डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्मल पीडीएफ पता हो। क्योंकि हमने ऊपर बता दिया है कि जो एरर टर्म्स हैं वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो कर रही हैं, तो इसलिए इसका जो पीडीएफ है वो नॉर्मल वेरिएबल का अगर हम लिखें तो वो कैसे लिखेंगे, जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का पीडीएफ होता है बिल्कुल उसी तरीके से आप पीडीएफ लिखेंगे कि एफ एप्सिलॉन आई इक्वल्स टू वन सिग्मा ओवर स्क्वायर रूट टू पाई ई माइनस वन ओवर टू सिग्मा स्क्वायर और एप्सिलॉन आई का स्क्वायर। यहाँ पे अगर देखें तो क्योंकि अगर आप इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में देखें तो ये इस तरह से होता है एप्सिलॉन आई माइनस एप्सिलॉन बार, या एक्स की फॉर्म में अगर आपने देखा हुआ तो एक्स माइनस एक्स बार होता है। बट एज वी ऑल नो दैट कि इसकी अजम्पशन है कि ये जो है इसका मीन जो है वो ज़ीरो है, तो ये टर्म ज़ीरो होने की वजह से हमारे पास जो पी डी एफ है वो इस फॉर्म में हमारे पास आ जाएगा। ये है हमारे पास पी डी एफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का। अब हमने क्या करना है इसमें बेटा कि हमने जॉइंट फंक्शन इसका बनाना है। जॉइंट फंक्शन को हमने डिनोट किया है एल से, और जॉइंट फंक्शन में ये होता है कि आप ये एप्सिलॉन आई है, आई वेरीज फ्रॉम वन टू एन, तो जितने एप्सिलॉन्स हैं एरर टर्म्स हैं उन सब का जॉइंट फंक्शन लिखना है। तो हमने उसको नोटेशन ये यूज़ किया है कि एफ एप्सिलॉन वन एप्सिलॉन टू अप टू एप्सिलॉन एन, और इसका पी डी एफ मीन्स जॉइंट फंक्शन जब आप मैक्सिमम लाइक्लीहुड फंक्शन में करते हैं तो उसको प्रोडक्ट करते हैं। तो ये जो कैपिटल पाई होता है ये प्रोडक्ट के सिंबल के लिए यूज़ होता है। तो आपने क्या किया, कैपिटल पाई आई वेरीज फ्रॉम वन टू एन, और यहाँ पे लिख दिया एफ एप्सिलॉन आई। और अब अगर इसको आप बारी बारी लिखें, अगर इसको हम ओपन करके लिखें तो इसका मतलब है एफ एप्सिलॉन वन इंटू एफ एप्सिलॉन टू अप टू एफ एप्सिलॉन एन। तो आप सब जितनी भी एरर टर्म्स हैं उनका जॉइंट फंक्शन एक लिखेंगे। ये जॉइंट फंक्शन हमने नीचे लिखा है एल इक्वल्स टू वन। अब देखें कि ये अगर आप बारी बारी लिखें, अगर ये एप्सिलॉन आई के लिए लिखा है, फॉर एग्जांपल ये एप्सिलॉन वन के लिए हो तो ये कैसे होगा, वन ओवर सिग्मा स्क्वायर रूट टू पाई ई माइनस वन ओवर टू सिग्मा स्क्वायर एप्सिलॉन वन का स्क्वायर इनटू, अगर फिर एप्सिलॉन टू के लिए लिखें तो ये बनेगा, ये सारी चीज़ ऐसी रहेगी और यहाँ आ जाएगा एप्सिलॉन टू का स्क्वायर, इसी तरह अप टू ये सारी चीज़ ऐसी और एप्सिलॉन एन का स्क्वायर। ये सारी जब इतने पी डी एफ्स मल्टीप्लाई होंगे तो उसको अगर हम प्रोडक्ट में एक फॉर्म में बनाएं प्रिसाइज करें तो वो कैसे बनेगा, हमारे पास मल्टीप्लाई होके सिग्मा एन टाइम्स आएगा, तो सिग्मा के ऊपर पार मतलब सिग्मा वन आपके पास सिग्मा एन टाइम्स है तो उसकी पार जो है वो ऐड होके कितनी बन जाएगी, एन बन जाएगी। पार ऐड होती है ना अगर बेसिस आपके पास सेम हो, तो सिग्मा की पार एन हो गया हमारे पास, और टू पाई भी आपके पास कितनी दफ़ा है, एन टाइम्स है, और क्योंकि आपको पता है कि स्क्वायर रूट का वन बाई टू लिख सकते हैं तो वन बाई टू और बाहर जो इसकी पावर है एन हो जाएगी, तो वो मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा, एन बाई टू हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए एक्सपोनेंशियल्स हैं, तो एक्सपोनेंशियल्स आपको पता है कि एक्सपोनेंशियल ई बेस सेम हो एक्सपोनेंट की तो उसकी पार्ट्स ऐड होती हैं, तो यहाँ पे आपने ऐड करनी है। तो जब आप ऐड करेंगे तो सबके साथ ये चीज़ें कॉमन आ रही होगी, माइनस वन ओवर टू सिग्मा स्क्वायर माइनस वन ओवर टू सिग्मा स्क्वायर एप्सिलॉन वन प्लस माइनस वन ओवर टू सिग्मा स्क्वायर एप्सिलॉन टू अप टू माइनस वन ओवर टू सिग्मा स्क्वायर एप्सिलॉन एन, ये कॉमन आ रहा होगा। तो आपने माइनस वन ओवर टू सिग्मा स्क्वायर यहाँ पे कॉमन ले लिया, और ये जो हमारे पास इनसाइड क्या बचेगा, एप्सिलॉन वन का स्क्वायर प्लस एप्सिलॉन टू का स्क्वायर अप टू एप्सिलॉन एन का स्क्वायर, उसको हमने समेशन से प्रिसाइज कर दिया है। हमने कैसे लिखा, समेशन वन वेरीज फ्रॉम आई वेरीज फ्रॉम वन टू एन और एप्सिलॉन आई का स्क्वायर। आई होप सो यहाँ तक चीज़ें क्लियर होंगी कि हमने जॉइंट फंक्शन जो है वो कैसे बनाया। जॉइंट फंक्शन बनाने के बाद अब फिर वही काम जैसे हम ऑर्डिनरी लीस्ट स्क्वेयर मेथड में करते हैं कि हम पार्शियल डेरिवेटिव लेते हैं। इसमें भी हमने पार्शियल डेरिवेटिव लेने हैं, बट पार्शियल डेरिवेटिव लेने के लिए हमें इसकी कुछ सिंप्लीफिकेशन रिक्वायर्ड है, उससे इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें क्योंकि ये एक्सपोनेंट और पावर की फॉर्म में है और इसका डेरिवेटिव लेना डिफिकल्ट हो जाएगा। दैट्स व्हाई वी आर गोइंग टू टेक द नेचुरल लॉग ऑन बोथ साइड्स। आप दोनों साइड्स पे नेचुरल लॉग ले लें
हमने नेचुरल लॉग अप्लाई किया, नेचुरल लॉग एल इक्वल्स टू, अब आपको पता है कि नेचुरल लॉग की प्रॉपर्टीज़ आई होप सो आप सबको आती होंगी कि नेचुरल लॉग जब अप्लाई हुआ होगा 1/σn, तो सिग्मा को अगर आप इसको अपसाइड लेके जाएं तो ये सिग्मा की पावर माइनस एन हो जाएगा, और लॉग अप्लाई करें तो आपको पता है कि पावर लॉग से पहले आ जाती है, तो माइनस एन लॉग एन, माइनस का साइन आई होप सो क्लियर हो गया होगा क्योंकि ये अभी डिनोमिनेटर में है, जब ये न्यूमरेटर में जाएगा तो पावर का साइन नेगेटिव हो जाएगा, और जब लॉग अप्लाई करेंगे तो ये माइनस एन लॉग सिग्मा हो जाएगा। इसी तरह इसके ऊपर जब आप अप्लाई करेंगे लॉग, आपको पता है प्रोडक्ट हो लॉग अप्लाई करने से वो जो है वो समेशन में चेंज होता है, लेकिन ये माइनस साइन क्योंकि ये भी अपसाइड जाएगा तो माइनस एन बाई टू पावर हो जाएगी, तो पावर जो है वो लॉग से पहले आई तो माइनस एन बाई टू लॉग टू पाई, ठीक हो गया। और एक्सपोनेंट पे जब लॉग नेचुरल लॉग अप्लाई होता है तो नेचुरल लॉग और एक्सपोनेंट जो वो कैंसिल आउट हो जाते हैं, और ये जो हमारे पास पावर में लिखा होता है उसको हम ऐसे लिख देते हैं माइनस वन ओवर टू सिग्मा स्क्वायर समेशन आई वेरीज फ्रॉम वन टू एन, और यहाँ पे एप्सिलॉन आई स्क्वायर। अच्छा, फिर वही कॉन्सेप्ट जो ऑर्डिनरी लीस्ट स्क्वायर में मैंने आपको समझाया था, क्योंकि आप लोग फाइंड करने जा रहे हैं एस्टीमेटर्स अल्फा और बीटा के, तो उसके लिए हमारे पास ज़रूरी है कि अल्फा और बीटा के को हम इंट्रोड्यूस करवाएं अपनी इक्वेशन में। तो इंट्रोड्यूस करवाने के लिए हमने क्या किया है कि यहाँ पे हमने मॉडल से कुछ इस तरह से वैल्यूज फिट किए हैं कि मॉडल हमारा कि अल्फा और बीटा को हम इसमें इंट्रोड्यूस करवा दें। तो वाई आई इक्वल्स टू अल्फा प्लस बीटा एक्स आई प्लस एप्सिलॉन आई था, तो एप्सिलॉन आई की वैल्यू अगर हमें चाहिए तो वो किसकी इक्वल हो जाएगा, वाई आई माइनस अल्फा माइनस बीटा एक्स आई का होल स्क्वायर। फिर वही रीज़न है इसके पीछे कि हमें अल्फा बीटा के एस्टीमेटर्स चाहिए, तो वी हैव टू इंट्रोड्यूस द अल्फा बीटा टर्म इन द इक्वेशन, तो इसलिए हमने एप्सिलॉन आई की जगह उसकी वैल्यू इस तरह से पुट कर दी है। अब जिसके लिए अब आपको अल्फा और बीटा का एस्टीमेटर चाहिए, तो जिस जिस का एस्टीमेटर चाहिए विद रिस्पेक्ट टू दैट हम क्या करेंगे, पार्शियल डेरिवेटिव लेंगे। सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं अल्फा के अकॉर्डिंग हम पार्शियल डेरिवेटिव ले रहे हैं। पार्शियल डेरिवेटिव आपने लिया विद रिस्पेक्ट टू अल्फ़ा, तो यहाँ पे क्योंकि अल्फ़ा की कोई टर्म नहीं है इसलिए ये ज़ीरो हो जाएगा, यहाँ पे भी अल्फ़ा की कोई टर्म नहीं है ये भी ज़ीरो हो जाएगा, यहाँ पे हमारे पास अल्फ़ा की टर्म है तो ये क्या हो जाएगा माइनस वन बाई टू सिग्मा स्क्वायर एज इट इज़, फिर ये समेशन, और ये जो टू है क्योंकि अब आपको पता है इसका हमने डेरिवेटिव लेना है, तो जब डेरिवेटिव लेते हैं तो पावर जो है वो नीचे आ जाती है, पावर नीचे आ गई, और फिर हमने इनसाइड जो है पावर के इनसाइड उसका जब डेरिवेटिव पावर पहले नीचे आई, और यहाँ पे पावर में से जब एक माइनस होगा टू माइनस वन तो यहाँ वन पावर रह गई, और उसके बाद इनसाइड जो ब्रैकेट लिखा हुआ है उसका आप दोबारा डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू अल्फा, तो वाई आई कॉन्स्टेंट है जीरो हो जाएगा, अल्फा माइनस अल्फा का डेरिवेटिव माइनस वन, और माइनस बीटा एक्स आई भी कॉन्स्टेंट है अल्फा के लिए इसलिए वो भी जीरो हो जाएगा। उसके बाद कुछ सिंप्लीफिकेशन करेंगे, बट आप ये नेगेटिव साइन और ये नेगेटिव साइन प्लस हो गया, और ये टू और टू कैंसिल हो गया, वन ओवर सिग्मा स्क्वायर समेशन वाई आई माइनस अल्फा माइनस बीटा एक्स आई, ये जो है हमारे पास जो है वो टर्म आ गई है। उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, हम उसके बाद सेकंड डेरिवेटिव लेते हैं। सेकंड डेरिवेटिव का पर्पस आपको बताया था कि ऑर्डिनरी लीस्ट स्क्वायर में है तो आपने देखना है कि क्या आपका जो फंक्शन है वो मिनिमाइज हो रहा है या नहीं, और अगर मैक्सिमम लाइक्लीहुड फंक्शन में है तो आप देखते हैं कि क्या आपका फंक्शन मैक्सिमाइज हो रहा है कि नहीं। और कैसे पता चलता है कि फंक्शन मिनिमाइज हो रहा है या मैक्सिमाइज हो रहा है, अगर आप सेकंड डेरिवेटिव लें और वो ग्रेटर देन ज़ीरो आए तो इट मींस कि आपका फंक्शन मिनिमाइज हो रहा है, ये ऑपोजिट साइंस के साथ होता है, और अगर आप सेकंड डेरिवेटिव लें और वो लेस देन ज़ीरो आ जाए तो इट मींस कि आपका फंक्शन जो है वो मैक्सिमाइज हो रहा है। अब देख लेते हैं इसका दोबारा, जब आपने विद रिस्पेक्ट टू अल्फा डेरिवेटिव इसका लेना है तो ये क्या हो जाएगा वन ओवर सिग्मा स्क्वायर एज इट इज़ समेशन इन साइड वाई आई ज़ीरो हो जाएगा क्योंकि कॉन्स्टेंट है, माइनस वन हो जाएगा अल्फ़ा का और ये भी ज़ीरो हो जाएगा, तो ये माइनस साइन इधर मल्टीप्लाई होके और जब समेशन वन के ऊपर अप्लाई होगी तो वो एन हो जाएगा, तो एन माइनस एन सिग्मा स्क्वायर दैट इज़ लेस देन जीरो, इट मींस कि ये जो है वो फंक्शन मैक्सिमाइज हो रहा है। सेकंड डेरिवेटिव का काम सिर्फ यही है चेक करने के लिए कि आया फंक्शन जो है वो मिनिमाइज हो रहा है या मैक्सिमाइज हो रहा है। जब आप ये चेक कर लेते हैं तो उसके बाद दोबारा से हम क्या करते हैं, जो आपका फर्स्ट डेरिवेटिव होता है उसको आप पुट कर देते हैं ज़ीरो की इक्वल। हमने भी ये किया जीरो को इक्वल पुट करें, और जैसे ही आप जीरो को इक्वल पुट करते हैं ये आपके समझे एस्टिमेटेड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। यहाँ पे रीज़न लिखा भी हुआ है, व्हेन वी पुट फर्स्ट डेरिवेटिव इक्वल टू जीरो देन इट्स नॉर्मल इक्वेशन, देन इट बिकम्स नॉर्मल इक्वेशन, और नॉर्मल इक्वेशन जब बनती है तो नॉर्मल इक्वेशन में पैरामीटर्स नहीं इन्वॉल्व होते बल्कि एस्टिमेटर इन्वॉल्व होते हैं, इसलिए हमने डिफरेंस लाने के लिए कि एस्टिमेटर और पैरामीटर में यहाँ पे हमने स्टार्स लगा दिए हैं। ओएलएस एस्टिमेटर में हम यूजली कैप यूज़ करते हैं और एमएल एस्टिमेटर
में हम स्टार यूज़ करते हैं, पाबंदी फिर भी नहीं है, लेकिन डिफ्रेंशिएट करने के लिए कि पता चले कि जो कैप वाला है वो OLS एस्टिमेटर है और स्टार वाला ML एस्टिमेटर है। लेकिन डिफरेंट बुक्स में डिफरेंट नोटेशंस हैं, आप ये भी कर सकते हैं, आप स्टार को OLS एस्टिमेटर के लिए यूज़ कर लें और कैप को ML एस्टिमेटर के लिए। या दूसरी चीज़ आप क्या कर सकते हैं कि यहाँ पे अल्फ़ा के साथ यहाँ पे नीचे छोटा सा ML लिखते हैं उसके सबस्क्रिप्ट में, या OLS का है तो OLS लिखते हैं। तो ये इस तरह के डिफरेंट नोटेशंस आपको बुक में मिल सकती हैं, आप कुछ भी एस्टिमेटर्स को शो करने के लिए कोई भी नोटेशन आप यूज़ कर सकते हैं। ओके जी, जब हमने जीरो को इक्वल पुट किया तो ये सारी इक्वेशन हमने उठा के क्या की, ये जीरो को इक्वल पुट कर दी आपने पार्शल लॉग एल ओवर पार्शल अल्फ़ा का। जब आपने वैल्यूज़ यहाँ पुट की तो हमने क्या किया, इसको जीरो को इक्वल पुट किया, ये हमारे पास ये वाला, ठीक है, और यहाँ पे हमने स्टार्स लगा दिए ताकि पता चले कि ये एस्टिमेटर्स हैं। तो अब हमने वही जब पहले भी पढ़ा था कि माइनस वन जीरो की इक्वल नहीं हो सकता, क्योंकि माइनस वन एक कांस्टेंट क्वांटिटी है और वो ज़ीरो नहीं हो सकता, तो ये जो हमारे पास टर्म होगी ये ज़ीरो की इक्वल हो सकती है, तो हमने इसको ज़ीरो की इक्वल पुट कर दिया। अच्छा, अब क्या करेंगे, सिंप्लीफिकेशन हो रही हैं, जस्ट सिंप्लीफिकेशन वही कि आपके पास वन ओवर सिग्मा स्टार स्क्वायर है और आपके पास ये वाली टर्म है, तो जैसे अगर यहाँ पे दोनों साइड पे जो है वो डिवीजन सिग्मा स्टार है, हमें अल्फा को सेपरेट करना है, तो आप क्या करें दोनों साइड पे इक्वेशन को सिग्मा स्क्वायर स्टार से मल्टीप्लाई कर दें, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा और ज़ीरो के साथ मल्टीप्लाई होके वो ज़ीरो हो जाएगा। उसके बाद समेशन आप इनसाइड अप्लाई करेंगे, क्योंकि बेसिक पर्पस हमने क्या करना है, हमने अल्फा को सेपरेट करना है, क्योंकि हम अल्फा को फाइंड कर रहे हैं, अल्फा के एस्टीमेटर को। तो आपने समेशन अप्लाई किया, समेशन वाई आई माइनस जब अल्फा स्टार, क्योंकि कांस्टेंट है, जब इस पर अप्लाई होगा तो एन अल्फा स्टार हो जाएगा, माइनस बीटा स्टार समेशन एक्स आई इक्वल्स टू ज़ीरो। उसके बाद फर्दर आप सिंप्लीफाई करेंगे, आपने ये टर्म्स जो है वो इक्वेशन की उस साइड पे आप ले गए। उसके बाद आपने क्या किया, इस एन को हमने सेपरेट करना है, तो हम पूरी इक्वेशन को एन पे डिवाइड कर देंगे, और जब हमने डिवाइड किया तो हमारे पास ये क्या फॉर्म बनेगी, अल्फा स्टार वाई माइनस बीटा स्टार एक्स बार। अगर आप ये वैल्यू देखें तो ये बिल्कुल सेम एज इट इज़ वैल्यू है, जैसा आपके पास ऑर्डिनरी लीस्ट स्क्वायर मेथड से आपने एस्टिमेटर फाइंड किया था। बस डिफरेंस ये है कि नोटेशन का, वहाँ पे आप अल्फा कैप से शो कर रहे थे या स्मॉल ए से शो कर रहे थे, यहाँ पे आप अल्फा स्टार से शो कर रहे हैं। अदरवाइज दोनों एस्टिमेटर्स, ML एस्टिमेटर और OLS एस्टिमेटर अल्फा का, दोनों का सेम होता है। अच्छा, नेक्स्ट बेटा हमारे पास है बीटा के लिए भी आपने इसी तरह एस्टिमेटर फाइंड करना है, बट वो एस्टिमेटर मैं फाइंड नहीं करूँगी, बल्कि वो आपके लिए टास्क है और वो आपको पता है। जैसे आपने जिन लाइंस पे आपने OLS एस्टिमेटर फाइंड किया था कि दोबारा से आपने पार्शियल डेरिवेटिव लिया था विद रिस्पेक्ट टू बीटा, आप इस इक्वेशन पे वापस आएंगे, इस इक्वेशन पे जहाँ पे आपने अल्फा के अकॉर्डिंग विद रिस्पेक्ट टू अल्फा आपने पार्शियल डेरिवेटिव लिया है, इस इक्वेशन का विद रिस्पेक्ट टू बीटा जो है वो आप पार्शियल डेरिवेटिव लेंगे, तो ऑब्वियसली ये भी जीरो हो जाएगा, ये भी जीरो हो जाएगा। इस टर्म्स में आप चेंजेस आएंगी, पहले आप अल्फा के अकॉर्डिंग ले रहे थे और आप बीटा के अकॉर्डिंग अब आप उसका पार्शियल डेरिवेटिव ले रहे हैं, तो ये वाला टास्क जो है ये आपके लिए है बेटा, एज ए असाइनमेंट के बीटा का जो है आपने एस्टिमेटर फाइंड करना है और चेक करना है कि जैसे OLS एस्टिमेटर अल्फा का OLS एस्टिमेटर और ML एस्टिमेटर की वैल्यू सेम आई है, तो क्या बीटा के लिए बीटा का ML एस्टिमेटर और OLS एस्टिमेटर सेम आता है या नहीं, तो ये आपका टास्क है जो आपने कंप्लीट करना है। अच्छा, इसके साथ साथ अगर आप देखें तो हमें एक और यहाँ पर टर्म नज़र आ रही है, हम सिग्मा स्क्वायर का भी एस्टिमेटर फाइंड कर सकते हैं। तो सिग्मा स्क्वायर का अगर हमने एस्टिमेटर फाइंड करना है तो हमें क्या करना चाहिए, बिल्कुल उन्हीं लाइंस पे हम करेंगे कि जैसे जब हमने अल्फ़ा का फाइंड करना था तो हमने विद रिस्पेक्ट टू अल्फ़ा पार्शियल डेरिवेटिव लिया, जब हमने बीटा का करना है तो वो आप लोग बीटा के रिस्पेक्ट टू उसका पार्शियल डेरिवेटिव लेंगे, और अगर हमने सिग्मा स्क्वायर का एस्टिमेटर फाइंड करना है तो इसमें भी आप क्या करेंगे, आप सिग्मा स्क्वायर के अकॉर्डिंग विद रिस्पेक्ट टू सिग्मा स्क्वायर आप इसका पार्शियल डेरिवेटिव ले लेंगे। लेकिन अगर आप भी अपनी इक्वेशन देखें तो यहाँ पे हमारे पास सिग्मा भी है और सिग्मा स्क्वायर भी है, बट वी वांट टू फाइंड द एस्टिमेटर ऑफ सिग्मा स्क्वायर, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम चाहते हैं कि ये दोनों किसी एक में कन्वर्ट हो जाएं, तो हम इसको भी सिग्मा स्क्वायर में कन्वर्ट करना चाहते हैं, क्योंकि अगर एक सिग्मा होगा और एक सिग्मा स्क्वायर होगा और अगर आप विद रिस्पेक्ट टू सिग्मा स्क्वायर पार्शियल डेरिवेटिव लेंगे तो यहाँ पे आपको काफ़ी काम करना पड़ेगा, तो इसलिए हम पहले इक्वेशन को इस फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं कि दोनों जगह पे, यहाँ पे भी सिग्मा स्क्वायर, यहाँ पे तो ऑलरेडी सिग्मा स्क्वायर है तो हमारे पास यहाँ पे भी सिग्मा स्क्वायर आ जाए। अब अगर आपने यहाँ सिग्मा स्क्वायर इंट्रोड्यूस करना है तो बहुत आसान काम है, आपको लॉग की प्रॉपर्टीज़ पता हैं, हम क्या करते हैं कि 2 से अगर हम मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दें, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई भी कर दें और आप यहाँ पे 2 से डिवाइड भी कर दें, तो जो ये 2 यहाँ पे लॉग की इस तरफ है, अगर हम इसको उठा के पावर में डाल दें सिग्मा के, तो आपको पता है ये लॉग की प्रॉपर्टी है कि हम पावर को लॉग
के पीछे पहले भी सेट कर सकते हैं, और अगर हम पावर को यहाँ से उठा लें तो वो वापस वेरिएबल के ऊपर आ जाती है। ठीक है जी, तो यही स्टेप मैं आपको दिखा देती हूँ जो मैंने आपको अभी बताया है कि हमने इसको सिग्मा स्क्वायर में कैसे कन्वर्ट किया है। हमने ऐसे कन्वर्ट किया कि हमने पहले 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया और उस 2 को उठा के हमने क्या कर दिया, यहाँ पे लिख दिया। अगर ये लॉजिक देखें ऐसे माइनस एन बाई 2 लॉग सिग्मा स्क्वायर, तो अगर ये 2 जो है वो लॉग से पहले आ जाएगा क्योंकि लॉग की प्रॉपर्टी है, तो ये 2 कैंसिल होकर दोबारा से ये माइनस एन लॉग सिग्मा ही बन जाएगा। तो हमने क्या किया, यहाँ इंट्रोड्यूस करवाने के लिए पहले 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया और वो 2 को हम पावर में ले गए। तो इस तरह से हमारे पास इक्वेशन में जो है वो सिग्मा स्क्वायर आ गया है। अब इसका डेरिवेटिव, जब आप पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू सिग्मा स्क्वायर लेंगे तो आपके लिए आसानी हो जाएगी। हम क्या करेंगे, आप इसका डेरिवेटिव हम लेते हैं पार्शियल लॉग एल ओवर पार्शियल सिग्मा स्क्वायर, और आप हम जब लेंगे तो क्योंकि यहाँ पे भी सिग्मा स्क्वायर है और आपको पता है कि माइनस एन बाई टू कॉन्स्टेंट है, वो सेपरेट हो जाएगा। और लॉग का जब भी आप डेरिवेटिव लेते हैं तो वो क्या होता है, लॉग एक्स अगर है तो लॉग एक्स का डेरिवेटिव होता है 1/x। तो यहाँ पे जो भी लिखा हो लॉग सिग्मा स्क्वायर लिखा हुआ है तो आपके पास डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 1/sigma². ठीक हो गया। अच्छा, अब आगे हम लेके इसमें सिग्मा स्क्वायर की कोई टर्म नहीं है इसलिए डेरिवेटिव जीरो हो जाएगा। और आप देखें ये इसके लिए कांस्टेंट टर्म है, समेशन yi माइनस अल्फा माइनस बीटा एक्स आई का होल स्क्वायर, ये कांस्टेंट है, इसको हमने यहाँ साइड पे रख दिया। अब हमने असल में फाइंड करना है इसका डेरिवेटिव, तो 1/2 सिग्मा स्क्वायर का, 1/2 सिग्मा स्क्वायर का डेरिवेटिव आपको, आई होप सो डेरिवेटिव्स आपने बेसिक डेरिवेटिव्स पढ़े होंगे, नहीं भी हैं तो यहाँ देखिए मैंने बताया कि कैसे फाइंड करना है, कि आपने सिग्मा स्क्वायर का जब डेरिवेटिव फाइंड करना है तो सिग्मा स्क्वायर, अच्छा ये कोशिश करनी है क्योंकि हम सिग्मा स्क्वायर को डील कर रहे हैं तो आपने सिग्मा स्क्वायर को ही पूरा रखना है, ऐसे नहीं करना कि इसको माइनस टू कर दें। सिग्मा स्क्वायर और ये जब ऊपर जाएगा अपसाइड जाएगा डिनोमिनेटर से न्यूमिनेटर में आएगा तो ये सिग्मा स्क्वायर के पार माइनस वन हो जाएगा। और आपको पता है जब हम डेरिवेटिव लेते हैं तो पावर क्या होती है, पावर केम डाउन, पावर को आप नीचे उतार लें और ये जो इन साइड है दोबारा से उसकी पावर में क्या होता है कि पावर में से एक माइनस कर देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ शायद आपको कुछ नज़र नहीं आ रहा, वो कुछ स्टेपलर किए हुए थे नोट्स तो इसलिए कुछ इनसाइड चला गया, बट आप इन स्टेप्स को रिपीट कर सकते हैं कि पावर माइनस वन आ जाएगी और सिग्मा स्क्वायर की पावर में पावर नीचे आती है और पावर में से आप एक माइनस करते हैं, तो जब आप पावर में से एक माइनस करेंगे तो ये क्या बनेगा, सिग्मा स्क्वायर माइनस वन फिर माइनस वन, क्योंकि इस पावर में से आप माइनस वन कर रहे हैं तो ये माइनस वन क्या हो जाएगा, माइनस टू। तो पावर को जब आप ये माइनस टू और ये टू क्या हो जाएंगे, माइनस फोर, तो जब हम इसे फिर नीचे लेके जाएंगे एक ये माइनस साइन है जो यहाँ आ जाएगा तो ये माइनस वन ओवर सिग्मा फोर बन जाएगा। तो ये इस तरह से हमने इसका डेरिवेटिव लिया है, इसको ना भी समझ आए तो आपने खुद से यहाँ पे इसकी प्रैक्टिस कर लेनी है डेरिवेटिव की, कि सिर्फ जस्ट सिंपल स्टेप है कि पावर नीचे आएगी और इसकी पावर में से एक आपने माइनस कर देना है। तो ये कैसे होगा, माइनस वन सिग्मा स्क्वायर माइनस वन फिर माइनस वन, तो ये बनेगा माइनस वन सिग्मा की पावर माइनस फोर, और माइनस फोर सिग्मा माइनस फोर को जब आप फिर डिनोमिनेटर में लेके जाएंगे तो ये माइनस वन ओवर सिग्मा फोर आ जाएगा। तो इस तरह से हमने यहाँ पे इसका पार्शियल डेरिवेटिव ले लिया है, और पार्शियल डेरिवेटिव लेने के बाद हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे इसको जो है हम ज़ीरो की इक्वल पुट कर रहे हैं, क्योंकि ज़ीरो की इक्वल पुट करने के बाद ये एस्टीमेटर बन जाता है, इसलिए आप देख रहे होंगे जहाँ जहाँ सिग्मा है अल्फा बीटा सब के ऊपर हमने स्टार लगा दिया, इसको ज़ीरो की इक्वल पुट कर दिया। ज़ीरो की इक्वल पुट करने के बाद अब आपने इसकी सिंप्लीफिकेशन करनी है, और इस तरह से सिंप्लीफाई करना है कि आपको सिग्मा स्टार स्क्वायर चाहिए। तो उसके लिए क्या किया हमने, सॉर्ट ऑफ जैसे आप देखेंगे या तो आप एलसीएम कह लें कि इसका हमने जब एलसीएम लिया तो 2 सिग्मा 4 और उसके साथ हमने पूरी इक्वेशन को बोथ साइड पर मल्टीप्लाई कर दिया। 2 सिग्मा 4 स्टार 4 के साथ जब आपने मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे आपके पास माइनस एन सिग्मा स्टार स्क्वायर रह जाएगा, यहाँ पे जस्ट आपके पास ये वाली टर्म रह जाएगी और इक्वल टू ज़ीरो आ जाएगा। फिर आपने क्या किया, इसको दोबारा से हमने कन्वर्ट किया है कि ये हमारे पास मॉडल होता है, क्योंकि आपको पता है yi इक्वल्स टू अल्फा प्लस बीटा एक्स है, तो यहाँ पे माइनस साइन अगर कॉमन लें तो ये क्या बनेगा, अल्फा प्लस बीटा एक्स आई, तो उसको हमने yi स्टार की इक्वल पुट कर दिया। ठीक हो गया, OLS में आप इसको yi है कैप लिखते थे और यहाँ पे आप क्या लिख रहे हैं, yi स्टार लिख रहे हैं। इसको अगर आप देखें अब इनसाइड, तो ये आपके पास क्या है, ये तो आपके पास रेजिडुअल है, yi माइनस yi का स्क्वायर या yi माइनस y हैट क्या होता है, ये तो e होता है, रेजिडुअल होता है, तो हमने इसको समेशन e स्क्वायर लिख दिया। ठीक हो गया, और उसके बाद फिर फर्दर सिंप्लीफिकेशन जब हमने की, ये इक्वल के जब उस साइड पे जाएगा तो नेगेटिव साइन आएगा, नेगेटिव नेगेटिव साइन दोनों साइड से कैंसिल हो जाएगा और सिग्मा स्टार के साथ n या मल्टीप्लाई हो रहा है उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो हमारे पास ML एस्टीमेटर जो आएगा सिग्मा स्क्वायर का वो क्या बनेगा, सिग्मा स्टार स्क्वायर इक्वल्स टू समेशन ई स्क्वायर ओवर एन। अच्छा, इसमें हमने एक और चीज़ जो आपको बतानी है कि आपने देखा होगा कि इसका फर्दर मैंने डेरिवेटिव नहीं लिया, सेकंड डेरिवेटिव
आप लेके चेक कर सकते हैं कि वो मिनिमाइज होगा, क्योंकि आगे वो और दोबारा से लिया भी जा सकता है कि इसको आप दोबारा डेरिवेटिव लें तो उसका सेकंड डेरिवेटिव चेक करने के लिए ये मिनिमाइज हो रहा है या मैक्सिमाइज। वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड था तो इसलिए यहाँ पे मैंने जस्ट सिंगल डेरिवेटिव लिया है और उसके बाद उसको इक्वल टू जीरो कर दिया है। सेकंड डेरिवेटिव को आप चेक कर सकते हैं कि क्या आप आसानी से उसको निकाल सकते हैं या नहीं निकाल सकते, इट्स अप टू यू, आप उसको खुद से चेक कर सकते हैं। अच्छा, ये ml एस्टीमेटर इसका फाइंड हो गया। 10 ml एस्टीमेटर ऑफ सिग्मा इज, अगर आपको सिग्मा स्क्वायर चाहिए क्योंकि हमने सिग्मा स्क्वायर का निकाला है तो आप क्या करेंगे, स्क्वायर रूट ले लेंगे। अच्छा, अब आपके माइंड में ये क्वेश्चन आना चाहिए कि हमने सिग्मा स्क्वायर के लिए OLS एस्टीमेटर क्यों नहीं निकाला। तो ये मैं आपको बता दूं कि फॉर OLS एस्टीमेटर ऑफ सिग्मा स्क्वायर वी हैव टू टेक द डेरिवेटिव ऑफ दिस। जैसे हमने इस इक्वेशन में तो सिग्मा स्क्वायर इंट्रोड्यूस था, अगर आप इसमें देखें तो हमारे पास सिग्मा स्क्वायर यहाँ मौजूद है तो आपने डेरिवेटिव लिया है। लेकिन जबकि अगर आप ऑर्डिनरी ली स्क्वायर में जाएँ जहाँ पर हमने वो एक इक्वेशन बनाई थी एम वाली, तो उसमें देखें कि हमारे पास सिग्मा स्क्वायर इन्वॉल्व ही नहीं है। जैसे ये इक्वेशन अगर आप देखें, क्योंकि उसमें रेजिडुअल के थ्रू हम जॉइंटली फंक्शन लिया है तो रेजिडुअल के थ्रू जो है वो सिग्मा स्क्वायर इन्वॉल्व हो गया है। लेकिन इसमें अगर आप देखें तो सिग्मा स्क्वायर हमारे पास है ही नहीं। जब सिग्मा स्क्वायर है ही नहीं तो आप पार्शियल डेरिवेटिव कैसे लेंगे। तो इसलिए OLS एस्टीमेटर जो है वो सिग्मा स्क्वायर का एग्जिस्ट नहीं करता। तो ये हमारे पास याद रखिएगा कि जब हम सिग्मा स्क्वायर का एस्टीमेटर लेते हैं तो ML के थ्रू फाइंड करते हैं डेरिवेटिव ऑफ M विद रिस्पेक्ट टू सिग्मा स्क्वायर एंड इट विल बी जीरो बिकॉज देयर इज नो सिग्मा स्क्वायर इन द इक्वेशन। दस रिमेंबर दैट OLS एस्टीमेटर ऑफ सिग्मा स्क्वायर डज नॉट एग्जिस्ट। आई होप सो कि बच्चे ये चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। लास्ट लेक्चर में हमने OLS एस्टीमेटर को देखा, इस लेक्चर में हमने ML एस्टीमेटर को देखा और मैंने कोशिश की है कि सारे स्टेप्स को वन बाय वन अच्छे से डिफाइन करूँ। जो स्टेप्स मैथमेटिक्स के अगर आपको नहीं क्लियर तो कोशिश करें कि इन प्रूफ्स को अब हैंड रिटन करें। जितना हैंड रिटन करेंगे आपको चीज़ें ज़्यादा क्लियर होंगी। पैनिक नहीं होना कि ये पता नहीं क्या है, डेरिवेटिव क्या है। कॉन्सेप्ट जब करते जाएंगे प्रैक्टिस तो आहिस्ता आहिस्ता ये चीज़ें आपकी रिकॉल होती जाएंगी, क्योंकि ऑब्वियसली मैथ्स में आपने ये कॉन्सेप्ट ज़रूर पढ़े होंगे। और जो आपका टास्क है वो टास्क ये है कि आपने बीटा के लिए प्रूफ करना है कि प्रूफ दैट बीटा ओ एल एस इक्वल्स टू बीटा एम एल या बीटा हैट इक्वल्स टू बीटा स्टार। बीटा हैट इक्वल्स टू बीटा स्टार का मतलब कि ओ एल एस के मेथड से जो आप बीटा फाइंड करते हैं वो आप ऑलरेडी फाइंड कर चुके हुए हैं जो लास्ट लेक्चर में मैंने करवाया, और एम एल के थ्रू जो आप बीटा की वैल्यू फाइंड करेंगे एस्टिमेटर की, तो क्या वो दोनों वैल्यूज इक्वल आती हैं या नहीं, ये आपकी असाइनमेंट है जो आपको नेक्स्ट लेक्चर जब आपका नेक्स्ट वीक में लेक्चर होगा, आई होप मंडे को लेक्चर होता है, मंडे को वो आपको असाइनमेंट सबमिट करनी है। आज के लिए बेटा इतना ही काफ़ी है। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज़ फॉर टुडे।